आर्य उप प्रतिनिधि सभा के लोगों ने आज यूपी मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर आकर गौ माता की जय के नारे लगाते हुए गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा। ज्ञापन के द्वारा आर्य उप प्रतिनिधि सभा से जुड़े लोगों का कहना है कि वेद सृष्टि का संविधान है, वेदों में भी गौ माता की रक्षा का आदेश मानवता को दिया गया है। गौ माता मानवता की रक्षक और पोषक है, इसका दूध अमृत समान है। गौ माता का दूध, घी, गोबर तथा यहाँ तक कि उसकी छाछ भी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। हम आपको बता दें, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजी शासकों से भी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की पुरजोर मांग की थी तथा गौ माता के महत्व को बताते हुए उसकी रक्षा के लिए एक सभा भी गठित की थी, जिसके माध्यम से गौ रक्षा का प्रचार प्रसार भी किया गया था। उनके बाद से आर्य समाज भी देश में समय समय पर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करता आ रहा है। आर्य उप प्रतिनिधि सभा के लोगों का यह भी कहना है कि गायों का संरक्षण करना समाज के नैतिक जिम्मेदारी है, गाय हमारी संस्कृति का आधार है। ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि मानवता की रक्षा पोषक एवं संरक्षण गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आर्य समाज मुरादाबाद द्वारा महिम राष्ट्रपति को मैंने DM साहब मुरादाबाद के माध्यम से शासक का ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि वेद ईश्वरीय वाणी है और वेद सृष्टि का संविधान है। वेद में केवल एक जो पशु है, गाय है, उसको मानवता की रक्षा के लिए उसकी रक्षा का आदेश दिया है मानवता को। गाय जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का निर्माण करती है, पोषण करती है और संरक्षण करती है, उसी तरह गाय भी एक ऐसा पशु है जो इस सृष्टि का, इस मानवता का निर्माण करती है, उसका पोषण करती है और उसका संरक्षण करती है। तो ऐसे पशु को जो मानवता की रक्षा के लिए ईश्वर ने बनाया है, उसका इस देश में, इस धरती पर रहना परम आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उसकी हत्या होना या इस देश से, इस भूमि से उसका अभाव होना मानवता के लिए खतरा है और एक संकट का संकेत है। इसे और इस संबंध में अभी गत सप्ताह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि गाय की रक्षा मानवता को करना उसका कर्तव्य है और गाय हमारी संस्कृति की धनोहर है और संस्कृति की पहचान है, हमारी संस्कृति का आधार है। तो हमारी केवल ये मांग है कि इन सारी विशेषताओं को धारण करने वाली गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि उसका इस भूमि पे, इस संसार में रहना परम आवश्यक है, क्योंकि उसका दूध भी दूध अमृत के समान है। घी, गोबर, यहाँ तक कि अगर वो सांस छोड़ती है तो वो ऑक्सीजन छोड़ती है। तो इसलिए ऐसे बहुमूल्य पशु को, उपयोगी पशु को, और जिसको माता कहा गया है, तो माँ का अपने सामने माँ का दोहन या माँ का अभाव होना वो सही नहीं है, ठीक नहीं होता है। तो इसलिए आर्य समाज मुरादाबाद ये मांग करता है कि गौ माता को राष्ट्रपशु घोषित किया जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने भी गो करुणा निधि लिखी और अंग्रेजी शासकों से गाय को राष्ट्र पशु घोषित कराने की मांग की थी।